इंस्पिरेशन है? मेरी फिल्म डर एट द मॉल की जो है अलग अलग शोज पे हम गए हैं, वहाँ जाके प्रमोशन है, तो फिल्म बनाई होती है, रिलीज हो रही होती है, तो यू हैव टू प्रमोट इट, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज दैट यू डू दैट. और यहाँ हम शोज में आए, आज इन लोग के साथ हैं, तारक मेहता है, फिर अपना एक अच्छा सा सीक्वेंस है जो हम लोग करेंगे. पहले सर को पता नहीं होता है कि वो कौन है, कि वो उनका कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसा है जो कि थोड़ा ऐसे अकेलेपन से या अंधेरे से डर जाते हैं, सारा कुछ है. सडनली कोई एक अनजान सा आदमी, अजीब सा, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं फिल्म के साथ वो फिट इन करता है. या पर्सनली मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ हॉरर फिल्म्स, बट इस फिल्म से पहले तक आई यूज्ड टू बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट डूइंग अ हॉरर फिल्म. मगर आई थिंक इस पर स्क्रिप्ट अच्छी थी, किरदार अच्छा था, आई थिंक द प्रोड्यूसर्स वर रियली नाइस, एंड द एंटायर सेटअप वाज वेरी गुड, लाइक फ्रॉम द म्यूजिक बाय शंकर एहसान रॉय टू ऑल द अदर टेक्नीशियंस फॉर ऑल. और पवन ने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी रागिनी MMS, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी. सो आई सेड दैट सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है, ये 40 रातें जो हमको शूट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला था, बट आई थिंक एवरीथिंग एल्स वाज रियली नाइस. सो और आज खुशी होती है जब फिल्म आप देखते हैं कंप्लीट हो गई होती है, एंड यू से दैट यार एक अच्छी क्वालिटी की हॉरर फिल्म. ये एक दो लोग ही हैं हमारी इंडस्ट्री में जो जस्टिस करते हैं इस जॉनर को, अदरवाइज इट्स नॉट अ जॉनर दैट हैज़ कॉट अप रियली वेल इन आवर इंडियन. जबकि स्कोप बहुत है, आप देखेंगे कि हॉलीवुड की जो हॉरर फिल्में यहाँ इंडिया में रिलीज़ होती हैं और अगर अच्छी होती हैं तो किस लेवल पे बिजनेस करती हैं, तो व्हाई नॉट गुड हिंदी फिल्म. दैट वाज द आईडिया. मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे रामगोपाल वर्मा की जो भूत उन्होंने बनाई थी मुझे बहुत अच्छी लगी, हमेशा आई ऑलवेज से दैट. क्योंकि हॉरर फिल्मों में ज़रूरी नहीं होता है कि आप बार बार भूत को दिखा के लोगों को डराओ, वो सिचुएशन, वो ट्रीटमेंट से भी लोग जो हैं वो करते हैं, जो कि हमने इस फिल्म के अंदर पूरी कोशिश की. मैं कौन होता हूँ टिप्स देने वाला, लेकिन डर भी एक एहसास है जो सबके अंदर होता है. आई थिंक कुछ लोगों को मज़ा भी आता है डरने में. लॉट ऑफ पीपल गो एंड वॉच हॉरर मूवीज, गुड हॉरर फिल्म्स, स्पेशली जो बाहर की बनी हुई होती हैं, तो थ्रिल्स और चिल्स के लिए एक ही मज़ा आता है. तो वो तो एक एहसास है, वो ये थोड़ा बोल सकते हैं मैं डरता ही नहीं हूँ. वो उस एहसास को इन्जॉय करना जानते हैं, इसलिए वो हॉरर फिल्में देखने के लिए जाते हैं. मैं खुद बहुत देखता हूँ हॉरर फिल्में, मुझे बहुत मज़ा आता है. तो मैं भी वो एहसास को इन्जॉय करने के लिए अंधेरा करके कमरे में, लाउड करके जो वॉल्यूम है और करेक्ट तरीके से, वो आदमी फील करना चाहता है आदमी. सो इट्स अ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इट्स अ जॉनर दैट जो बाहर बहुत ज़्यादा चलता है और हमारे देश में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नहीं चलता. बाकी चीज़ों से इंसान डरता है, बहुत सारी चीज़ों से इंसान डरता है. अपनों को खो देने का डर जो है सबसे बड़ा डर होता है, हर इंसान के अंदर होता है. तो वैसा डर तो हम लोग हमेशा महसूस करते हैं, बट सुपरनैचुरल का ऐसा होता है कि मैंने सुना बहुत है, मैं मानता भी हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं. मेरे ख्याल से एक डर तो हमेशा लगा रहता है ना जिम्मी भाई, कि पैसे टाइम पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. नहीं सर, इस रात की सुबह कब होगी ये लगा रहता था. पॉइंट यही है मैम कि एक अच्छे लेवल की, एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल की हॉरर फिल्म आपको देने की कोशिश की गई है, जिसकी कहानी अच्छी है, जिसकी ट्रीटमेंट अच्छी है, बिना 3D हुए इसको एक ऐसा इफेक्ट दिया गया है जिस हिसाब से कि आप खुद एज एन ऑडियंस फील करें कि शायद आप भी उस जगह पे मौजूद हैं. वही मैं सिचुएशन ऐसी है कि मैं सोसाइटी के ऑफिस बंद करके घर जा रहा हूँ, रूटीन लाइफ है बेसिकली, और पता नहीं रात शायद थोड़ी देर हो गई है मुझे ऑफिस में, और अचानक यहाँ पे परछाई दिखती है मुझे कि कोई आ रहा है अंदर सोसाइटी में. और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो टिपिकल डरने वाला कैरेक्टर है, मतलब ज़्यादा भूत भूत से काफ़ी डरता है ये कैरेक्टर. तो उसको थोड़ा सा डर भी है कि अचानक ये कौन आ गया सोसाइटी में, और जब देखता हूँ तो जिमी भाई आ चुके हैं वहाँ पर, जबकि मुझे मालूम नहीं है कि वो जिमी जी है.
वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, वो मेरे पास जॉब मांगने आते हैं कि सोसाइटी में मुझे जॉब चाहिए, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप पहले कहाँ जॉब कर चुके हैं, तो बोलता है कि मैं पहले मॉल में जॉब करता था लेकिन मुझे वहाँ डर लगता है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थोड़ी सी अजीब सी बात होती है कि डरने वाला सिक्योरिटी गार्ड कौन रखना चाहेगा, तो मैं बोलता कि नहीं भाई पहले आप अपना चेहरा दिखाओ, तो वो चेहरा दिखने के बाद फिर पता चलता है कि भाई ये तो एक इंटीग्रेशन है।